खबर अलवर से मीर समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन दिया। आपको बता दें, मीर समाज की कब्रिस्तान और छात्रावास की समस्याएं थी, जिनको समाज ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के सामने रखा। टीकाराम जूली ने समस्याओं को सुनते हुए आश्वासन दिया कि आपकी कब्रिस्तान के लिए जगह और छात्रावास जल्द से जल्द दिया जाएगा। मीर समाज के जिला अध्यक्ष रफीक ने बताया कि मीर समाज के लिए 20 करोड़ का बजट पास हुआ है, जिसमें अलवर के लिए 3 करोड़ का बजट पास हुआ था, जिससे हम अलवर के लिए कब्रिस्तान के लिए जगह और मीर समाज का छात्रावास बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए आज हमने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर जाकर ज्ञापन दिया है और टीकाराम जूली ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। क्या मंत्री साहब से आप? मैंने ज्ञापन में ये लिखा है कि मीर समाज को एक छात्रावास दिया जाए और छात्रावास वो दिया जाए जिसमें समाज का पूरा कार्य रहे, समाज के हक में रहे और समाज के ही स्तर पे चले। मैंने समाज के लिए माननीय मंत्री महोदय को बोला है कि मंत्री जी, हमें एक इस तरीके सा छात्रावास दिया जाए जिसमें समाज अपने स्तर से छात्रावास को चलाए। हमें इस तरीके से छात्रावास नहीं चाहिए कि आप रेंट पे दें और हमें कल से कोई निकाल दें या हमारा बजट रिजेक्ट हो जाए। उस तरीके का हमें छात्रावास नहीं चाहिए। हमें जो छात्रावास चाहिए, हमारा पूरा खुद का नाम होना चाहिए, समाज के नाम होना चाहिए और हमारे समाज का उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। एक कब्रिस्तान का मुद्दा है जिसको आप उठाने के। हाँ, कब्रिस्तान का अलवर जिले में कब्रिस्तान की बहुत बड़ी दिक्कत है और हमारी समाज के जो लोग हैं, कम से कम 100 घर रह रहे हैं यहाँ और उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कब्रिस्तान की। और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान सरकार से और माननीय मंत्री जी से, श्री टीकाराम जूली जी से उम्मीद रखता हूँ कि वो हमें जल्दी से जल्दी कब्रिस्तान मुहैया कराएं, और कब्रिस्तान की उम्मीद करता हूँ कि वो करा के देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकील है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ मीर समाज से। जी जी अली जनाब, मेरा नाम मोहम्मद रफीक खान मीर है, ढाडी मीरा से समुदाय के बैनर तले काम हो रहा है और मैं यहाँ पर कह के जिला संयोजक जिला अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। जी, क्या आपकी मांगे रहेंगी आज की? जी, आज की मांगे क्या है कि गत वक्त के अनुसार जब बताई गई बातें कि 20 करोड़ रुपये का बजट क्या है कि राजस्थान सरकार के द्वारा पारित हो चुका था, लेकिन उसमें क्या है कि बड़ी ढील थी, वो अभी क्या है कि पूरी तरीके से आंकलन नहीं कर पाए उसका, वो उसकी कंप्लीट क्या है कि ब्यौरा समाज को मिले, इसलिए समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और कम्प्लीटली एकत्रित होने के पीछे रीज़न क्या है कि 3,60,00,000 का जो क्या है कि कम्प्लीटली पैकेज था, ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा मसला था। मसला ये कि हॉस्टल किस प्रकार जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाए समाज के लोगों को, समाज के बच्चों के लोगों को। जी, अच्छा, अभी जो यहाँ पे बात चल रही है, कोई किराए की बात चल रही है, कोई परमानेंट चल रही है, क्या सरकार? जी, ये सरकार का एक क्या है कि इश्यू है, सरकार का एक मुद्दा है, सरकार का एक पहलू है, सरकार का एक कनेक्टिविटी है कि जब क्या है कि समाज के सरकार के हाथ में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा, उस पैसे को लेकर के क्या है कि जमीन मुहैया करवा दी जाएगी और वहाँ पर क्या है कि भवन निर्माण का कार्यक्रम भी करवा दी जाएगा। दूसरी बात क्या है कि समाज ने ये उम्मीद नहीं लगाई है कि हमें डायरेक्ट हाथों में पैसा मिले। समाज ने डायरेक्ट क्या है कि सरकार से सवाल किया है कि आप जमीन खरीदें और खुद ही जमीन में क्या है कि मकान क्या है कि बना करके भवन निर्माण करके दें, उसी के अंतर्गत क्या कि बाउंड्री हो और 50 स्कूली छात्रावास लेवल पर क्या कि विद्यालय का छात्रावास का निर्माण कराया जाए। जी सर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद रफीक खान है, मैं अलवर शहर से हूँ। जी 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 क्या पता है? जी, मैं यहाँ पर जिला संयोजक की भूमिका निभा रहा हूँ।